हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं सिक्किम के अंडर आर्टिकल 371F। ओके, तो इसकी हम बात करेंगे और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975 के तहत जो है आपको सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेटहुड दे दिया गया था, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 371F इंट्रोड्यूस किया गया था और इस आर्टिकल 371 में ये प्रोविजंस थे जिनकी हम बात करने वाले हैं कि सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 से कम सीटें नहीं होंगी। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी रिसेंटली सिक्किम की जो सीट्स हैं वो बढ़ा करके 32 से 40 कर दी गई है जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है। और एक सीट जो है अलॉटेड होती है सिक्किम में लोकसभा के लिए और सिक्किम एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर्म करता है, ठीक है। और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली विच मे बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सच सेक्शंस। ओके, और जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो कैंडिडेट्स द्वारा फिल की जाएंगी जो कि ऐसे सेक्शंस को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जो डिलिमिटेशन होगी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की फ्रॉम विच कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू सच सेक्शंस अलोन में स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द असेंबली, ठीक है। और पार्लियामेंट को ये हक है कि वो कौन सी सेक्शंस पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, इलेक्शंस में, और ये इंश्योर करना, और सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में कैंडिडेट्स कौन खड़े होंगे, ठीक है, मतलब कि एक कम्युनिटी का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन ना हो, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, ये चीज इंश्योर करना पार्लियामेंट का काम है। और जो असेंबली की डिलिमिटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी की फ्रॉम विच कैंडिडेट्स इज बिलोंगिंग टू सच सेक्शंस अलोन में स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द असेंबली, ठीक है। तो जो डिलिमिटेशन हुई है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की उसी के हिसाब से जो कैंडिडेट्स उस सेक्शन को पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग जो करते हैं वो खड़े होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो ये चीज जो है लाइक पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड फॉर यू नो मेकिंग दीज प्रोविजंस। और अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीस और इक्विटेबल अरेंजमेंट इंश्योर करे और साथ साथ में ये इंश्योर करे कि सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट और प्रोग्रेस हो रही है डिफरेंट सेक्शंस के सिक्किम पॉपुलेशन की। और इस डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है दिस इज सब्जेक्टेड टू प्रेसिडेंशियल directions, okay? I hope you're clear about it. There is nothing, you know, like rocket science over here. Or president can extend with restriction or modification to Sikkim any law which is enforced in state or the Indian Union. तो president कोई भी law जो है Sikkim तक extend कर सकता है या तो फिर उसकी extend कम करके या modified form में as is the requirement of that area, okay? So this is all about special provisions from Sikkim that is given under Article 371F, okay? तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे आपके मिजोरम की और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की, ठीक है।